लाइन्स क्लब प्रीत बिहार की तरफ से शिक्षक दिवस एवं हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दारा रिजेंसी लक्ष्मी नगर में आयोजित किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत वंदना दीप प्रज्वलित व राष्ट्रगान गाकर की गई। इस प्रोग्राम का उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और देश में हमारी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देना था। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लायंस क्लब में हमेशा हर वर्ष शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस दोनों एक साथ मनाते हैं और आज ज़रूरत भी है हिंदी की, क्योंकि हर व्यक्ति या हमारे बच्चे भी हिंदी बोलना कम पसंद करते हैं, अंग्रेज़ी बोलेंगे। तो हमारे देश में हिंदी की ज़रूरत है आज, जो हमारे अभी होम मिनिस्टर ने भी कहा और सोच भी है। मैं बहुत से देशों में जाता हूँ जहाँ एक देश एक लैंग्वेज है या दो लैंग्वेज है, हमारे यहाँ 18 या 28 लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है आज हिंदी की, अपनी माँ बोली जो अपनी माँ भाषा है वो हम ज़रूर बोलें, बाकी भाषाएं ज़रूर रखें क्योंकि उसके बिना भी गुजारा ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमें जाते हैं तो हमें बोलनी पड़ती है, बट अपनी जगह जहाँ हमारे सब अपने लोग हैं हम ज़रूर हिंदी में बात करें। और ये हमारा क्लब 31 साल पहले बना था और तभी से लगातार अपनी सेवाओं में लगा हुआ है, मानव सेवा में। जो भी नीडी पीपल्स होते हैं उनकी तन मन धन से सेवा में लगा हुआ है। और जैसा आप देख रहे हैं आज हिंदी दिवस और शिक्षक दिवस मनाया है, क्योंकि तो हिंदी दिवस तो इसलिए मनाया जाता है, देखिए क्योंकि हर जगह द्विभाषा का प्रयोग करना पड़ता है और इसलिए बेटर यह है कि अपनी एक भाषा का पहचान जो हर देश की होनी चाहिए, जैसे हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, हर देश में इसका मान सम्मान हो, हमारे भारत में तो है ही है, इसके अलावा पूरे विश्व में हो। जैसे पहले हमारा देश विश्व गुरु था हिंदी में संस्कृत में, हमारा प्रयास ये है, हमारे क्लब का प्रयास ये है कि आगे भी ये धर्म गुरु बने, विश्व गुरु बने और हमारी भाषाओं का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में फैले, हमारी यही जो है कोशिश लगी हुई है और इस कोशिश में हमारा क्लब भी लगा रहते हैं और आगे भी हम ऐसे कार्य करते रहेंगे ताकि समाज का नीडी पीपल्स का आपका भला हो सके। प्रोग्राम में लायंस क्लब के सदस्यों अधिकारी गण और शिक्षक गण मौजूद रहे। वहीं लायंस क्लब ने भी अतिथियों के तौर पर आए शिक्षकों को सम्मानित किया और मातृभाषा हिंदी पर प्रकाश भी डाला। वहीं शिक्षिका द्वारा लिखी किताब मन की बात ईश्वर के साथ का अनावरण भी किया गया। आए साल इसके ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं अपने कॉलेज में भी और यहाँ पर भी। हम शिक्षकों को सिर्फ उनको नहीं लेते जो कि पढ़ाते हैं, हम उनको भी लेते हैं जो कि समाज में सेवा करते हैं। तो आज भी विभिन्न फील्ड्स से हमने लिया है इन सभी टीचर्स को जो शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में भी लगे हुए हैं। हिंदी दिवस का तो विशेष महत्व है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने मन की बात कर सकते हैं, कोई भी बात वो जो हम बहुत स्पष्टता से करना चाहते हैं वो हमेशा अपनी ही भाषा में होती है, दूसरी भाषा दूसरी ही रह जाती है, हम अपने आप को उतनी भावव्यक्ति नहीं कर पाते उसमें, तो हिंदी ही सबसे अच्छी है। मुझे जो ये सम्मान यहाँ आज दिया गया मैं इस बारे में कहना चाहूँगी, ये सम्मान मेरे लिए केवल सम्मान मात्र नहीं है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी और भी कर्तव्य निष्ठा के साथ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और मुझे ये जो सम्मान है वो मुझे हर पथ पर, जीवन के हर पथ पर, हर मोड़ पर, जर्रे जर्रे में कर्म भूमि की याद दिलाता रहेगा कि मैं इस पद की गरिमा को पूर्ण रूप से निभाने में सक्षम बन पाऊँ। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारे ऐसा माना जाता है संस्कृत जननी है, तो हिंदी बेटी है और बेटी और माँ का रिश्ता कैसा है वो हम सब जानते ही हैं, वो तो शब्दों के द्वारा उसको बयां किया ही नहीं जा सकता। तो हम भारतवासी हैं और हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले जो हमारी भाषा है हिंदी हम उसका सम्मान करें, हम अपने बच्चों को ऐसे, क्योंकि हिंदी में ही ऐसे संस्कार और ऐसा, क्योंकि वो बेटी है तो माँ बेटी से जैसे संस्कार लेती है और आगे आने वाली परंपरा को देती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम हिंदी को एक सम्मान दें और उसकी कद्र करें।
लायंस क्लब एक ऐसी संस्था है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है और लोगों की हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आज हमने शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस दोनों को कंबाइंड सेलिब्रेट किया है जो हमारे राष्ट्रफॉर्म है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को जो है ना जो ये प्रोग्राम को होस्ट करने का मुझे प्रधान जी ने जो है ना मेरे को मौका दिया है। आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अपने माध्यम से? युवाओं को मैं कहता हूँ कि कम से कम अपने टीचर्स का सम्मान करें, जो कि एक टीचर और माँ बाप एक ऐसी शख्सियत होती हैं, ये कभी भी अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को नीचे देखना नहीं चाहते, हमेशा तरक्की देखना चाहते हैं। टीचर जो है ना अपने आप को छोटे लेवल पर रखता है, लेकिन अपने शिक्षक अपना जो शिष्य है उसको हमेशा ऊपर देखना चाहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और शिक्षकों को सम्मान व हमारी मातृभाषा के बारे में विचार व्यक्त किए गए, ताकि हमारी मातृभाषा हिंदी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ावा मिल सके। सिडनी न्यू दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।